नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 25 मार्च फर्स्ट ईयर के कुछ जीएस के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। इसमें मैं टोटल आपको 24 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं वीडियो बनाने से पहले जैसे ही मतलब क्वेश्चन मुझे मिलते हैं वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। आपको एम दिया गया था, एच दिया गया था और ई निकाला था, मतलब एनर्जी आपको फाइंड आउट करने थे। तो ये फार्मूला सीधा सा है, ई बराबर एम जी स्क्वायर। कितनी बार मैं मतलब बता चुका हूँ अपने वीडियो में। अगर आपको जी क्वेश्चन नहीं दिया गया तो 9.8 लेते हैं जी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जो नेबरिंग कंट्री है उनके राष्ट्रीय खेल दे रखे हैं, जैसे नेपाल का डांडी या वॉलीबॉल हो गया, भूटान का आर्चरी हो गया मतलब तीर धनुष, और बांग्लादेश का कबड्डी हो गया, चाइना का टेबल टेनिस, म्यांमार का चिनलोन या कैनबल, और अफगानिस्तान का होता है पेरिड्ज, कुछ ऐसे कुछ करके अजीब नाम है। तो इसे एक बार आप देख लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन कि अटल पेंशन योजना की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम 40 है और मिनिमम 40 है, मिनिमम 18 है। ये 2015 में आई थी योजना, पेंशन से संबंधित है, अभी भी लागू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लागू किया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे कब लागू किया गया था। अरुण जेटली भी इस योजना से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था, मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम किन दो राज्यों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में ये है मचकुंड डैम। यहाँ पर मैंने कुछ डैम दे रखे हैं, जैसे टेहरी डैम है उत्तराखंड में, भाखड़ा डैम है हिमाचल प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। ये सरदार सरोवर डैम दो राज्यों को पानी देता है, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ सॉरी मध्य प्रदेश। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा पूरा डैम। और ये कह रहा था, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश ट्रांसर्वर वेव है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसर्वर वेव दे रखे हैं और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव दे रखे हैं। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि लाइट और अल्ट्रावायलेट, ये सभी ट्रांसर्वर वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव। प्रकाश डुअल नेचर का होता है, ये वेव और पार्टिकल दोनों में चलता है। ये क्या था, ये IIF अवार्ड मेल किसको मिला है। तो मिला है मुमताज बरसेम 2017 का, 2016 का उसेन बोल्ट को मिला था, और फीमेल में मिला है नाफीसा तो थाइम, ये मोनाको में दिया गया। ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला अटैक इंडिया में किसके मतलब किसके विरुद्ध किया था, सैन्य आक्रमण, तो देवगिरी था, या देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं। ये कहा था, संस्कृत महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ। इसे ऐसे मतलब क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन ही रहे, तो संस्कृत महोत्सव से रिलेटेड जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। देखिए 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ था 2018 में, और जन्ना जनज्योति एडिटोरियम में स्टार्ट हुआ था, गांधीनगर बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था, 7वां एडिशन था और इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये क्वेश्चन है, कानून को कौन लागू करता है, कौन पालन कराता है। देखिए हाउस में तीन थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो देखिए लेजिस्लेटिव जो होता है कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव कानून का पालन करवाती है, जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव लागू कर, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव पालन कराता है, और जुडिशरी उसको एग्जीक्यूटिव लागू करता है और जुडिशरी उसका पालन कराती है। एक शुक्राणु से संबंधित क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, जैसे आएगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको अपडेट कर दूंगा। ये क्या था, जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए जाइलम जल ले जाता है ऊपर की तरफ, वन वे होता है, और फ्लोएम टू वे होता है, और ये फूड ले जाता है। एक सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। सीमेंट में जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन था, GCCS 2017 की बैठक कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में,
राजधानी नई दिल्ली में इंडिया में मेजबानी किए थे 23 से 24 नवंबर को। जिसे सी एस का मतलब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस या भारत या विश्व वैश्विक साइबर स्पेस को कह सकते हैं। पहली बार भारत में मेजबानी कर रहा है और 100 राष्ट्रों के लगभग 2000 प्रतिनिधि आए थे। और यहाँ पे देख लीजिए 2 दिवसीय था। और यहाँ पे देखिए पहला आयोजन 2011 में हुआ था लंदन में। ये क्वेश्चन नोबल ट्रेडिशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे अपडेट करें। ये क्या था, योग दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि मुनि। ये शुंग वंश के राजपुरोहित थे। मौर्य वंश के बाद जो पश्चिम शुंग आए थे उनके राजपुरोहित थे। ये क्या था, फांसीवाद से उत्पन्न कहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो ये यूरोप में फांसीवाद उत्पन्न हुआ। फांसीवाद का जन्म यूरोप में हुआ था। ये क्या था, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट टाइम नोटेड फॉर एक्सरे लेजर। तो ये 43/8 सेकेंड नोट किया गया है एक्सरे के। ये कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर तो कौन सी लकी ड्रा योजना लॉन्च की गई है, जैसे कि लकी ग्राहक या दिग्दर्शन व्यापार योजना बाय NPCI। तो इसकी डिटेल मुझे नहीं मिल पाई है। अगर आपको पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ इसको अपडेट करें। ये क्वेश्चन आया था दक्षिणी स्वेज दक्षिणी स्वेज नहर के बंद मतलब के तट पर कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो तफेदिक स्वेज बंदरगाह बनाया गया है। देखिए इंग्लिश में सही पर लिखा है यहाँ पर। ये क्या था, मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड था कि लवण और जल का अनुपात आपको दे रखा है, इसमें 4 लीटर जल ऐड करना है तो ये 7:4 हो जाता है। तो लवण का मान बताना है, तो जैसे कि 7x/3x+4 लीटर वाटर ऐड करना है इक्वल 7/4 आ जाना। तो इसको क्रॉस कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसमें एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन था √3/2 + cos 60 का मान बताना है। देखिए √3/2 + cos 60 मान होता है 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इसका। और एक क्वेश्चन आया था, स्पेलिंग आया थी सीलिंग की, स्पेलिंग टेस्ट आया था मिस एक्सपर्ट। और एक ईडियम आया था कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है आसानी से, मतलब जो काम हो जाए आसानी से उसे कट कॉर्नर्स होता है। एक होता है इफर्वेंस का मतलब आया था, तो ये होता है उत्तेजना, इफर्वेंस का मतलब होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं।